एक है देख लो। एड्रेस की बात करें तो एड्रेस सबके पास भीड़ है यार। दोस्तों वेलकम टू द हमारे नए बड़े ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हो, आई हो मस्त है एकदम चकाचक। तो सर्दी जल्दी बढ़ गई है बहुत तेज, लेकिन धूप निकली है, लेकिन धूप के साथ में हवा चल रही है और एकदम मस्त वाली ठंडी हो रही है कि जुकाम होगा, हमाऊ जुकाम होगा हुआ है। तो दोस्तों आज जा रहे हैं R&D जन कल्याण सेवा समिति अपोजिट साइड थाना महाराजपुर में है। तो वहाँ पे पेपर होते हैं, रेलवे बैंक SSC GD बहुत काय के पेपर होते हैं। तो आज हमारे दोस्त को पेपर है, SSC GD वालों पेपर चल रहा है। तो आप लोग को ये पेपर तो बने रहो वीडियो में, तो को एड्रेस होते हुए पूरो मतलब एकदम शुरुआत से लेके आखिरी तक हमारे ये हंते पड़ा था 40-45 किलोमीटर दूर है। तो अपने दोस्त को इंतजार कर रहे हैं, जैसे आ जाए वैसे जाइबे और आपको पूरा एड्रेस बताइबे। तो वीडियो में बने रहो। रस्तम परत है एक्सिस कॉलेज, बहुत बड़ो कॉलेज है दोस्तों। यो देख रहे हो कितो बड़ो कॉलेज है, बाहर से कितो बड़ो दिखाई देता है तो अंदर से तो बहुत बड़ो है। देखो कितने लड़का लड़कियां ठाड़े हैं इन पे। अच्छा। दोस्तों यही से बस थोड़ी दूर है और हम लोग हाथीपुर आ गए हैं। चाहे देख लो, यो देखो हाथीपुर का पोस्टर। अच्छा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जन कल्याण सेवा समिति R&D वाले कॉलेज में। यहीं पे पेपर होते हैं, बहुत काय के पेपर होते हैं तो पता है आप लोगों का। तो दोस्तों ये है TCS कंपनी करवाता पेपर और यो गेट नंबर 1 है, देख लियो। हमने स्लो मोशन कर दो है, आवाज बाद में डालना है, काय की वो में बैठे थे मोटरसाइकिल में तो भर्र 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 आवाज आ रही थी हवा की। तो अब दोस्तों यहां तो एंट्री हुई नहीं रही है, यही के सामने दोस्तों महाराजपुर थाना आए और दोस्तों हम अंदर आ गए हैं। अच्छा। और लड़का तो जा रहे हैं बहुत सारे, काय की सबको पेपर है। तो दोस्तों यो गेट नंबर 2 है, यंत्र एंट्री हो ही रही है। तो ये मंदिर बना है सबसे बढ़िया पहचान है। तो आप लोग आओ आराम से, तो चुपकोने में गाड़ी लगा दे। अबे साले, अब हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी, ये देख लो कितनी भीड़ है यार। हमारे दोस्त तो मतलब कागज आगज इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद जो लाइन में लगे हैं। दोस्तों देख लो यो है TCS करवा रही पेपर और यही R&D जन कल्याण सेवा समिति, यहाँ पे ऐसी भीड़ है। रुके बने रहो वीडियो में सब दिखाई दे, लाइन लग रही है। अच्छा। हमारे दोस्त चलो गो लाइन में लगन, तो अब अंदर हो ही रहे हैं धीरे धीरे, बहुत लोग अंदर हो गए हैं देख लो। हाँ? कम लोग बचे हैं लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नहीं रुक पे, लेकिन अबे थोड़ी देर रुके हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग सेंटर पे पहुंच गए और हमारे दोस्त की एंट्री हो गई है। अभी ना उनको पेपर है, इनको 5 बजे थे इनको पेपर है, 5 बजे थे। तो 5 बजे एंट्री करे और हम लोग सेंटर के बाहर खड़े हैं। आज विजय रात हमारे लोगन की, तो मैं क्या करूं? यहीं पे रात करोगे कर निकल पे 8 बजे। तैयारी करके आए बढ़िया? सब ठीक है। तो चलो ब्लॉग में बने रहो। अच्छा।
अब सबरे लोगन की एंट्री हुई गई है, दरवाजा बंद कर ले, लेकिन दो चार लड़कवा ठाड़े है वो कह रहे मैं एंट्री कर दे काहे मारे देर में आए, लेकिन अब एमे कहा इसो चलत है तुरंत एंट्री कर दे। दोस्तों देख लो यो बनो है कब्रिस्तान पीछे है, मतलब सेंटर के सामने कब्रिस्तान है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर कौटाइलन। तो दोस्तों हम अभी थोड़ा बाहर घूमन आ गए, काहे की पेपर चल रहा है, दिनेश को 2 बजे एंट्री हुई गई थी और अब छुटे है पेपर 2:30 बजे थे पेपर, 4:30 बजे पेपर छुटे है 3:30 बजे तो फिर पेपर छुटे है तब दिखाई थे, अभी हम लोग थोड़ा बाहर घूमन आए हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों 3 बज गए और सेंटर के साइड पे चले आवो तो यहीं पे एक भट्टा है, यहीं पे बैठे के लेकर बहुत अच्छी जगह है, देख लो सब बैठे हैं मस्त यहीं पे पड़ रहे हैं, धूप ले रहे हैं, ये कुत्तवा बढ़िया मस्त टहल रहा है यहीं पे। और सामने देख लो कितने लोग बैठे हैं, वो सामने सेंटर है हाँ वो जहाँ पे लड़कुआ बैठे है। और दोस्तों टाटा ये क्या बात करते है यार। तो दोस्तों 3:30 बज गए हैं, अब हमारे दोस्त को पेपर छूट गए हैं, अबे छूटो नहीं हुए अंदर हुए निकलने वाले हुए, अब इनकी एंट्री हुई है हमारी 4:45 पे एंट्री होगी इनके 4:45 पे हुए है। तो चलो सेंटर पे चल रहे हैं, पूछा जाए कितने पेपर करके आए, मतलब कितने क्वेश्चन करके आए हैं, चलो आ जल्दी आओ। कैसा किसका बताओ भाई कैसा पेपर करके आए जैसा सबने किया ये क्या बात करते है यार। तो दोस्तों एक लोग पेपर दे के आ गए हैं, वो इधर खड़े हैं, हम इधर आ गए थोड़ा यहाँ पे बढ़िया धूप लग रही है मस्त एकदम। तो दोस्तों सेंटर से हम इधर आए हैं, बहुत बैठे की अच्छी जगह है R&D जन कल्याण सेवा समिति सेंटर में। तो एक ही एड्रेस की बात करें तो एड्रेस सबसे पहले तो आप लोग का ये हो, अगर ट्रेन पे हो तो कानपुर सेंटर ले हो, और अगर बस पे हो तो जगरकटी बस अड्डा हो, तो पहले तो बता दें ट्रेन पे आप लोग कानपुर सेंटर उतरे हो मन पे पकड़ो बस या टेम्पो कह दो हमें उतार दो कहाँ रामा देवी उतरो, उसके बाद मन पे कह दो सीधे जन कल्याण सेवा समिति उतरो आके, चाहे बस से पकड़ो चाहे टेम्पो पे, बिल्कुल रोड पे सेंटर है बहुत बिल्कुल मतलब रोड पे है, बगल में थाना है महाराजपुर वाला थाना है, और वैसे सीधा अंदर चले जाओ। वीडियो में तो देख चुके हैं, शुरुआत में हम दिखा चुके हैं, एक बार और दिखा देवे। तो दूसरी चौथी शिफ्ट चल रही है 4 बजे से, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो, नहीं 5 बजे से 6 बजे तक पेपर हुए है, तो अभी तो एंट्री हुई गई है, अभी बच गए हैं 4:30 दिखा रहा हूँ उल्टा दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं हम सीधा कर देवे बाद में। अच्छा तो दोस्तों और अगर बस पे हो तो जगरकटी उतरे हो, जगरकटी से सीधा रामा देवी के लेके आ जाओ, ओके बाद फिर वही करे का सीधा आ जाओ R&D जन कल्याण सेवा समिति सीधे महाराजपुर हाथीपुर, आराम से बहुत आसान है, आप लोग आराम से मस्त पेपर दो मौज करो और ब्लॉग देखो, ब्लॉग का लाइक जरूर कर दो, वीडियो में बने रहो। तो और जस्ट हमारे सामने सेंटर है, हम सामने सूर्य देवता है, बस जस्ट सामने सेंटर है, हम सामने इधर खड़े अकेले नहीं बहुत लोग हैं, सभी इधर ही टाइल है, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, चलो दिखा दे। देख लियो दोस्तों कितनी बढ़िया जगह, यहीं पे बैठा हो आके मस्त देख लियो, यो है R&D जन कल्याण सेवा समिति। दोस्तों जो साथे आए वो यहीं पे आके बैठा है, और जेको लेट पेपर होए वो यहीं पे बैठ जाए आके। और देख लियो दोस्तों और ये हमारे दोस्त पेपर दे के आ गए मस्त, फोन पे बतिया रहे हैं, और देख लियो कैमरा देख के हंस रहे हैं। तो दोस्तों हम खड़े हैं बिल्कुल हाईवे के बीच, अबे साले में यो देख लियो यो हाईवे पड़ा था महाराजपुर को है, और पीछे वो पोस्टर लगो है दिखा रहा हो चाइना, लेकिन देख लियो हाईवे पड़े हैं, पेपर नहीं छूटो है, और ये साड़े हैं क्वेश्चन करके आए, लेकिन हाईवे में ट्रक की आवाज़ आ रही है तो वीडियो बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों शाम हो गई 5:30 बज गए, वीडियो यहीं से खत्म करा था। और दोस्तों एड्रेस हमने पूरा बता दो और डिस्क्रिप्शन में दे दे, वही देख के आ जाओ, यहाँ पे बहुत मस्त है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अच्छा।